तब भी हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। छोटा सतूत आएगा ना।
पहुंचेंगे, हवाई जहाज की यात्रा करनी हो ट्रेन की, तो पैसे खर्च होते हैं और वो भी 5 मिनट आप लेट हो जाओगे ना, टिकट आपके पास पर हो तो निकल जाएगी ट्रेन भी हवाई जहाज भी। पर हमारे पास राम नाम की राधा नाम की ऐसी टिकट बना लो अपनी, इस संसार की यात्रा करोगे तो पैसे खर्च करके टिकट बनानी पड़ेगी, स्टेशन जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। पर यदि राधा नाम की बैकुंठ वाली टिकट हम बना ली तो घर में पड़े पड़े स्वयं विमान आएगा, उठाएगा और ले जाएगा। ये टिकट कैसी है? फ्री वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट है टिकट, इसमें पैसे लगने नहीं है। इसलिए हम भगवान का नाम जपना, अपना कल्याण हम स्वयं करेंगे और हमारा कल्याण करने के लिए कलयुग में भागवत जी है और भागवत से बड़ा हमारा कल्याण करने वाला कोई नहीं है। जय कृष्ण और सुदामा जी बड़े श्रीमत चाहिए बैठे हैं, ये बादशाह ने भी कुर्सी ऊपर लगा दो हमारी कुर्सी पर छोटे जय श्री राम है। अच्छा जी आप आइए ना, जी अच्छा जी वो रोगी चावल लेके आप आ जाओ, जरा आ जाओ आ जाओ कौन सी वाली अच्छा वहाँ जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सुनो कोई प्रभुवाद सीना में देखिए अच्छा जी देखिए पहले यजमान परिवार पूजन कर ले और जो भी श्रद्धा भाव से सारी दक्षिणा जो भी चढ़ाना चाहे देखो देखो ये आया
आप एक एक करके पूजन करते रहे, आपको केवल 5 मिनट का समय है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो गंदे सुसा गरीबा गया है, भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से,
आप सभी शांति से बैठे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आप जय जय श्री राधे ठाकुर जी, जय जय श्री राधे ठाकुर जी। आप यहाँ से अब आप विराजमान कर सकते हैं उसके हटा करके, और सुनसाओं का भारत जी के पास जय जय श्री राधे। जो भी हमारे धन प्रेमी बंधु महाराज जी के लिए कुछ भेंट, जो आज कथा का आखिरी दिन है, तो जो भी भेंट लेकर के आए हैं कथा निरंतर बनी रहेगी, उसमें एक एक करके आप लोग जो है महाराज जी के चरणों में जो भी अर्पित करना चाहे, उनको वस्त्र इत्यादि लेकर के आए हैं वो अर्पित कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। इतनी जोर से बोली कि कम से कम आगे तक आवाज हो जाए, यहाँ से रोड के क्रॉस तो होना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे जय जय श्री राधे। यस्य स्मरणार्थिना कर्म संसार बंधना विमोचते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो यदि राजा यदि जो है एक बार कहां पहुंच गए, जंगल में पहुंच गए, दत्तात्रेय जी बड़े हृष्ट पुष्ट संत पेड़ के नीचे लेटे हैं। बोले महाराज, अरे आप जंगल में ना पानी ना भोजन ना घर ना वस्त्र, फिर आप इतनी मस्ती में क्यों हैं? क्या बोले, जो भगवान की भक्ति में रहते हैं उनके जीवन में ही मस्ती रहती है, उनके जीवन में आनंद रहता है। मिल गया तो खा लेंगे, ना मिलेगा तो कर लेंगे। मैं तो भगवान के नाम में रहता हूँ, और राजा मेरे जीवन में मैंने 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु कितने गुरु? जो मेरे को मिले। कौन से गुरु? शिक्षा वृत्ति हिरे वाद्यम, मेरे जीवन में शिक्षा वाले गुरु 24 बनाए हैं। मंत्र में कान में मंत्र देने वाले गुरु, दीक्षा देने वाले गुरु तो एक ही होते हैं, शिक्षा वाले गुरु कई बनाए जा सकते हैं। शिक्षा वृत्ति हिरे वाद्यम, मन मन में कान में मंत्र देने वाले गुरु एक होते हैं। पर गुरु कैसे हो? गुरु श्रेष्ठ हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, भक्त हो। और गुरु दीक्षा कैसे देना चाहिए? बिना किसी दबाव के अपनी हर इंद्रिया, जब मन में वाणी में हृदय में विचार आए गुरु मंत्र लेना चाहिए, तभी लेना चाहिए। किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में आकर गुरु मंत्र लेंगे तो क्या होगा? आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी, गुरु मंत्र को आप ले लोगे पर गुरु जी में आपकी श्रद्धा नहीं बन पाएगी, आप उसका लाभ भी नहीं होगा। तो मैंने राजा 24 गुरु बनाए शिक्षा वाले, कौन कौन से? पृथ्वी वायु आकाश कपोभि चंद्रमा रवि। पहला गुरु बनाया मैंने पृथ्वी को, पृथ्वी से सीखो कि सहन शक्ति, क्षमा और सहन शक्ति, जिसके अंदर सहने की क्षमता, जो सबकी बातों को सह लेगा और जो सबको माफ कर देगा वही आगे जाएगा, वही अपना नाम कर पाएगा। और जिसको सहना नहीं आया, जवाब देना आया, क्षमा जो जानता नहीं, वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, बड़ा वही है जो क्षमा कर दे, माफ कर दे। पहला गुरु कौन सा? पृथ्वी। दूसरा गुरु है जल। पानी ठंडा होता है, आप कितना भी गर्म कर दो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को हमेशा 100 से रखिए, आनंद में रहिए, क्रोध मत करिए। तीसरा गुरु बनाए अग्नि को। अग्नि में क्या होता है? जो भी डाल देगी सब जल जाता है। ऐसे ही आप तो कोई कुछ भी बोल दे, कैसे भी बोल दे, उन बातों को तुरंत भूल जाओ, याद ही मत, याद आएगी तो कष्ट होगा, अच्छा है आप भूल ही जाओ। चौथा गुरु मैंने बनाया इसको आकाश को। आकाश का क्या है? यहाँ एक भी पिलर लगे, आकाश में कोई पिलर नहीं है, पर खड़ा है लाखों सालों से, हजारों करोड़ों सालों से। वैज्ञानिक पता ही नहीं लगा पाए आकाश इतने हजार लंबे चौड़े किलोमीटर है, आज भी नहीं लगा पाए। तो क्यों खड़ा है? क्योंकि भगवान की छत है वो। ऐसे ही भगवान कृपा करें,
जीवन में धन आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, पैसे बढ़ जाए, तो अपनों को मत भूलना, सबको भूल जाइएगा, अपने परिवार को, मित्र को, घर को, गांव वालों को, मोहल्ले वालों को मत भूलना। और भूल भी जाना तो अहंकार करने दी, वहां रहना तो बात करना, तो फिर वो छत बना रहेगा, नहीं तो अहंकार आया और राम से नीचे आ जाएंगे। पांचवा गुरु मेरे बना वायु हवा को, हवा चलती है पर टिकती नहीं है। अच्छे अच्छे काम करिए, गरीबों की सेवा करिए, बढ़िया काम करिए, समाज सेवा करिए, दान कीजिए, पर ज्यादा प्रचार मत करिए। प्रचार तो वो करेंगे जिनको आप दान करेंगे, वो अपने आप बता देंगे वो सेठ जी ने इतने हजार इतने लाख दान किए। अपने से मत बताइए कि हमने ये किया, हमने भंडारा करवाया। अरे जो भंडारा खाने जाएंगे ना, वो आपका नाम अपने आप प्रचारित कर देंगे, उनके द्वारा आज सगरा मंदिर में भंडारा था। स्वयं मत कहिए, कोई पूछे भी कर दिए, सब भगवान करवा रहे हैं, सब भगवान की माया है। पांच गुरु हो गए। छठवां गुरु मैंने बनाया भगवान सूर्य को, सूर्य से प्रकाश मिलता है, पर सूर्य भगवान कोई बिल नहीं भेजे, बिल चाहिए मुझे, पर बिजली वाले हर महीने बिल भेज देते हैं, पर भगवान सूर्य लाखों करोड़ों सालों से दे रहे हैं प्रकाश, पर कुछ मांगे नहीं। इसलिए समाज में, राष्ट्र में, परिवार में देते जाइएगा, देते जाइएगा, पर कभी भी मांगिएगा नहीं। अगर आपने देकर मांग लिया तो आप शत्रु हो गए, फिर आप दोषी बन गए। और राजन मैंने अपना गुरु बनाया, सातवां गुरु बनाया मैंने समुद्र को, सागर को। सागर में जो लहरें आती है ना, लहर आती भी शांत हो जाती है। ऐसे जीवन में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, मान भी होगा, अपमान भी होगा, सम्मान भी होगा, झगड़ा भी होगा, संसार में रहेंगे तो मान अपमान सब होगा। उसको क्या करना है, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, उसको एकदम हल्के में लीजिए कि हो गया। शरीर का अपमान है, शरीर का सम्मान है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो फिर क्या होगा, कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और राजन मैंने एक गुरु बनाया चंद्रमा को। चंद्रमा बढ़ते हैं घटते हैं, और वास्तव में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, कलाएं बढ़ती हैं। ऐसे जीवन में घटो चाहे बढ़ो, सब भगवान के हाथों में छोड़ दो। और मैंने एक गुरु बनाया अजगर को। अजगर करे न चातुरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम ही, राम ही दाता है हमारे, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, भगवान ही सबको देते हैं, परमात्मा सबको देते हैं। हमें ऐसा लगता है ये व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है, हम इसको किनारे पर नहीं, हमारे यहाँ वो काम करता है, उसकी मजबूरी हो सकती है, पर परमात्मा ने उसके भोजन की, उसके पानी की व्यवस्था हमसे पहले कर दी है। अजगर से बोले मैं सीख रहा हूँ कि भगवान का नाम लो, जो मिल जाए वो ग्रहण कर लो। मधुमक्खी को मैंने गुरु बनाया। मधुमक्खी बेचारी जीवन भर कमाती है, शहद इकट्ठा करती है, पहेलिया आता है मार के ले जाता है, शहद पूरा बेच लेता है बाजार में। ऐसे ही ज्यादा संपत्ति जो जोड़ करके कंजूसी पूर्वक जीवन जिएगा, ना खाएगा ना देगा, तो उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले आनंद में रहेंगे। इसलिए कमाओ तो खाओ, कमाओ तो बांटो, कमाओ तो भूखो, कमाओ तो अच्छा अच्छा बनाओ, कमाओ तो भी दान भी करो, जरूरी है। जिसने संग्रह कर लिया, खाया नहीं, उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं है। और आज मैंने एक गुरु बनाया मछली को। जितम सर्वम जिते रसे, मछली क्या करती है, खाने के चक्कर में मारी जाती है। जिसने खाने में कंट्रोल कर लिया और बोलने में कंट्रोल कर लिया, क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, किस समय बोलना है, कब खाना है, कहाँ खाना है, कैसे खाना, क्या मेरे लिए बढ़िया क्या नहीं है, समझिए उसने भगवान को ही पा लिया। और जिसने बोलने में और खाने में कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रण ना, उसका जीवन बहुत बढ़िया नहीं है। मछली सिर्फ खाने के चक्कर में मारी जाती है। और अनेकों गुरु बनाए मैंने, कई बार कथा सुनाई है पूरी पूरी विस्तार से। एक गुरु मैंने बनाया एक छोटे से बच्चे को। अब बच्चे को आप एक थप्पड़ मार दीजिए और फिर एक बढ़िया उसको चॉकलेट दे के भूल जाएगा, क्या मान है क्या अपमान है सब भूल जाता है। ऐसे ही आपका कोई मान करे या अपमान करे तो भूल जाइए, बच्चे बन जाइए तो फिर याद नहीं रहेगा। मैंने एक कुमारी कन्या को बनाया, उसके विवाह वाले आए,
घर में चावल नहीं थे, धान धान को धान से चावल निकालना शुरू की, धन कुटा से कुशल से कुट रही थी धान को, आवाज आ रही थी चूड़ी की, एक एक चूड़ी कम कर दी, फिर एक और कम कर दी, फिर और कर दी, मतलब भजन करिए, जाग करिए, अकेले में करिए, साथ में कोई होगा तो दुनिया की बात नहीं करेगा, जब भी पूजा करिए घर में, कथा तो आप आके सुन सकते हैं, पर घर में जब जब करिए तो अकेले करिए, ग्रुप में करेंगे तो फिर बातें हो जाएंगी, अकेले मतलब मोबाइल भी ना हो उस समय, सबसे ज्यादा शत्रु जो हमारा है जिस तरह करता है मोबाइल, मोबाइल हाथ में पास में है तो हाथ जाएगा ही जाएगा, अकेले भजन करे तो कल्याण हो जाएगा। और भजन दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने अनेकों गुरु बनाए हैं और मैंने एक लोहार को अपना गुरु बनाया, एक लोहार अपने मन से एक प्रहाड़ी बना रहा था कि राजा की सवारी गई उसे पता नहीं चला, राजा ने कहा भैया तुम्हें मृत्यु दंड मिलेंगे तो हमारी सवारी आने के बाद भी हमारे सर में खड़े क्यों नहीं होते, बोले महाराज मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि आपकी सवारी ये, बोले बैंड नगाड़े बज रहे थे, बोले महाराज मैं अपने काम में इतना व्यस्त था, इतना मस्त था कि मुझे मालूम नहीं हुआ, ऐसे ही अपने काम में अपनी ड्यूटी में अपनी जिम्मेदारी में एकदम इतने मग्न हो जाइए, दुनिया वाले दुनिया के काम दुनिया की बातें आपको याद ही ना रहे तो क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। और राजन मैंने अंतिम गुरु आखिरी गुरु अपने आप को बनाया, देखिए क्या है, जितना हम अपने आप से सीख सकते हैं खुद से स्वयं से, इसमें कोई हमें सिखाने वाला नहीं है, 10 साल पहले जैसे आप थे अब नहीं है, अभी जैसे वैसे 10 साल बाद नहीं रहेंगे, हर क्षण हमारा शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है, उम्र बढ़ रही है और जीवन घट रहा है, उम्र तो बढ़ रही है नंबर में 30 साल 35 साल 50 साल, पर वास्तव में हमारा जीवन घट रहा है, उम्र बढ़ती है जीवन घटता है, तो मैंने जाना है राजा कि शरीर साथ देने वाला नहीं है, शरीर साथ देने वाला नहीं, बोले क्या देगा, बोले शरीर के अंदर जो प्राण है वो भी हमारा छूट जाएगा, जो आत्मा है उस आत्मा में परमात्मा को स्थान देकर भगवान का भजन करो तो कल्याण हो जाएगा। जय जय श्री राम। कोई साथ देने वाला नहीं। शिवदेव जी कहते हैं राजा आज यदि वंश के सारे लोग लड़ाई किए, शराब किए, झगड़ा किया, काफी लोग मारे गए, लड़ाई चाहिए, शराब पीने के बाद झगड़ा हुआ, बलराम जी से भगवान बोले दाऊ जी आप जाओ, दाऊ जी चले गए, भगवान भी गए प्रवास क्षेत्र में सोमनाथ में, वो जगह है सोमनाथ जो है ना गुजरात में, वही पासी में है प्रवास क्षेत्र, वहां आज भी वो पीपल का वृक्ष बना हुआ, जहां भगवान जाकर लेटे, सारे देवता के बोले महाराज महाराज आप जाएंगे कहां जाएंगे, भगवान बोले ना मेरा आना होता है ना मेरा जाना होता है, जब मैं गिर जाता लोग बोलते भगवान आ गए, जब मैं दिखाई नहीं देता लोग बोलते भगवान चले गए, वास्तव में मैं हर क्षण यहाँ रहता हूँ, भगवान दाहिने पैर में बाएं पैर को रखकर सोए थे, लेटे थे ध्यान मुद्रा में, एक बहेली ने बाण चलाया भगवान के पैरों में, वही जो बच्चा था ना एक मूसल का टुकड़ा उसने मार दिया, भगवान के चरणों में लगा, दौड़ पड़ा प्रभु उससे गलती हो गई, भगवान ने कहा बहेली सीधे सो के जाओ, क्योंकि कहते वो बाली था, बाली ने कहा ना कारण केवल नाम हमें मारा, मैंने क्या गलती की प्रभु, भगवान बोले भैया तुमने बहुत पाप की है, अनुज भग अनुज मधु भग जी सुन नारी सुन सठ कन्या सब ये चारी, फिर भी तुम्हें लगता मैंने तुम्हें छल से मारा तो मुझे भी मार देना, कहते बाली भगवान बोले सीधे स्वर्ग जाओ, स्वर्ग चला गया, और भगवान क्या किए उद्धव से बोले भैया जाओ मेरे नाम का सहारा लेकर, मेरी भागवत का सहारा लेकर, मेरे नाम का भजन करके कलयुग के लोग भव सागर से पार हो जाएंगे, हमें पार करने वाला कलयुग में भगवान का केवल नाम ही नाम है, नाम लोगे तो पार होना पड़ेगा, हो ही जाएंगे। बहेलिया से बोले स्वर्ग जाओ, अर्जुन से बोले मेरी द्वारिका डूब जाएगी 7 दिन में, जल्दी सभी रानियों को निकालो, और भगवान जैसे ही लेटे थे देवता बोले प्रभु आप कहाँ जाएंगे देखे तो, क्षण मात्रीन संसिद्धि, एक क्षण के पलक झपकते भगवान अंतर ध्यान हो गए, एक रूप में भगवान वैकुंठ चले गए, ज्योति रूपम प्रविष्टोऽयम श्रीमद् भागवतार्णवः,
दूसरे रूप में ज्योति रूप में भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए और बोले कलयुग में जो प्राणी जो जीव जो मनुष्य अपना उद्धार करना चाहता है तो जीवन में कम से कम अपनी नेक कमाई से अकेले चार भाई तो चार भाग समझिएगा जब हम घर चार ले सकते हैं कार चार ले सकते हैं तो फिर भागवत भी चार अलग अलग इकट्ठा मिलने का अलग बात हो तो ठीक है फिर भी नियम है कलयुग में हमारी मुक्ति का साधन यदि सचमुच मुक्ति चाहते हैं तो भागवत की कथा करा लेंगे क्योंकि श्रीमद् भागवताख्य प्रत्यक्ष जिसके पास धन ना हो गरीब हो पैसे ना हो समस्या हो तो वो तो ऐसी पंडाल में जाकर के बैठ जाएगा और राधे राधे बोल के सात दिन सुन लेगा और एक सिक्का एक रुपए भी चढ़ा देगा तो भी मुक्ति हो जाएगी क्योंकि बिना दक्षिणा के फल नहीं मिलेगा हाँ पर जिसके पास व्यवस्था होगी और वो नहीं करेगा तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है भक्ति तो उसके भीतर आ जाएगी भक्ति आ जाएगी ऐसा नहीं भक्ति नहीं मिलेगी जय जय श्री राधे भगवान भागवत जी ने प्रवेश कर गए शिवदेव स्वामी कहते हैं राजन मैंने तुम्हें भागवत की दिव्य कथा सुना दी भगवान चले गए और यह कलेज को परम प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा कलयुग केवल नाम अंधारा सुमी सुमिर दल उतर ही पारा कलयुग में बड़े दोष होंगे क्या होगा उम्र कम हो जाएगी आयु कम हो जाएगी अकाल मृत्यु ज्यादा लोग मरेंगे पाप लोग खूब करेंगे फिर भी कलयुग में जो भगवान का नाम लेगा वो भव सागर से पार हो जाएगा कलयुग के अंतिम चरण में लोगों की उम्र कितनी हो जाएगी 10-12 साल हाइट कम हो जाएगी चने के झाड़ के नीचे लोग बैठ के आराम कर लेंगे भयानक कलयुग जब आएगा घोर कलयुग पर कलयुग से बचने का एक उपाय भगवान का नाम भगवान की कथा भगवान का धाम वृंदावन और अच्छा गुरु बन जाए गुरु अच्छा होना चाहिए ज्ञानी विद्वान भगवत भक्त को भी हमारा कल्याण हो जाएगा जय श्री राधे सुखदेव बोले राजा मैंने तुम्हें भागवत सुना दी क्या तुम मरोगे नहीं कहेंगे मेरा जन्म ही नहीं हुआ तुम्हें क्यों मरूंगा मैं तो आत्मा हूँ और मेरी आत्मा मेरे भगवान में लग गई है सुखदेव जी बोले मैंने तुम्हें कथा सुना दी तुम्हारी मुक्ति पक्की है हो जाएगी क्योंकि तुमने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया घर छोड़ दिए पत्नी छोड़ दिए बेटे छोड़ दिए तुम्हारी मुक्ति होगी और कहते हैं सुखदेव जी महाराज उठे राजा ने पूजन किया रोते रोते और भगवान सुखदेव एक दो कदम चले और अंतर ध्यान अंतर ध्यान हो गए सुखदेव स्वामी और राजा परीक्षित के लिए कौन आए सातवें चित्त वाले मृत्यु से बचा जा सकता नहीं मृत्यु तो होगी तक्षक आया बहुत उपाय किए गए पर तक्षक हुआ नहीं आया सुश्री परीक्षित जी महाराज को दसा पर वो तो तब के भगवान के धाम में पहुंच गए थे पहली भागवत स्तुति उनकी मुक्ति हो गई थी बेटे ने जन्मेजय ने यज्ञ किया कौन सा सर्प यज्ञ तो सर्प ये भी सारे सर्प आ रहे हैं स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं बृहस्पति जी बोले भैया मत जलाओ तुम्हारे पिता स्वर्ग में है वैकुंठ में है तो ये यज्ञ बंद हो गया सूत जी महाराज कहते ऋषियों कर अरविंदे नमनारविंदम मुखाय वंदे निवेशयन्तम पटस्य वत्पलस्य वुडेशयानम बालानकुन्दम मनसां स्मरामि श्रीमद् भागवत जी बड़ी आई थी श्रीमद् भागवत जी जिसके जीवन में आ जाए जिसके घर में आ जाए जिसके मोहल्ले में आ जाए जिसके परिवार में आ जाए और सबसे बड़ी बात है जिसके हृदय में आ जाए सबसे बड़ी बात जिसके यहाँ आ जाए भागवत जी उसका तो कल्याण हो जाएगा श्रीमद् भागवत जी में 335 अध्याय कितने 335 अध्याय वारे अनेकों स्तुतियां हैं और कहते हैं भागवत जी के एक एक शब्द में हर एक अक्षर में कृष्ण का वास है कन्हैया का वास है भागवत का एक भी मंत्र बोल लेंगे ना एक बार भी सुन लेंगे ना एक भी अक्षर भागवत का हमारे कान में पड़ जाएगा तो हमारी क्या होगी मुक्त हो यम सदगति प्रभावेण यस्यस्य मुक्त हो जाएंगे सदगति हो जाएगी ऐसा प्रभाव है श्रीमद् भागवत का और भागवत का फल क्या है बोले निम्न गाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो जैसे गंगा में स्नान करने का फल है करोड़ों वर्षों तक तीर्थों में वास करने का फल है
भगवान शंकर और जितना भी जो भी पुण्य का फल होता है एक बार भागवत सुनने से भी प्राप्त हो जाता है। सारे तीर्थों में दान में यज्ञ का जो भी फल होता है एक बार भागवत से पूर्ण हो जाता है। भागवत सुनने में कैसे सुने, मन लगाकर तन से मन से धन से सुनेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भागवत की अद्भुत महिमा है, प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है। श्रीमद भागवत साक्षात कृष्ण है, इसे किताब ना माने पोथी ना माने, जिस घर में भागवत होती है ना भागवत रूपेण तत्ग्रहण तीर्थ तीर्थम भवे, जहाँ भागवत पढ़ी जाती है भागवत के मंत्र जपे जाते हैं भागवत सुनी जाती है वहाँ हमेशा हमेशा के लिए तीर्थों का देवताओं का वास हो जाता है। पूरी भागवत का सार क्या है इस श्लोक में छिपा हुआ है। पूरी भागवत का सार जैसे जीवन का सार होती है ऐसी भागवत क्यों सुनी जाती है, क्यों करना चाहिए, क्या क्या है वो आपको अभी श्लोक में मालूम होगा। जोड़ लिया सर, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनम, प्रणामो दुःख शमनम, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। आप पूरा ना बोल पाए कोई बात नहीं, आप केवल इतना बोल दीजिए, बोल दीजिए तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनम्यस्य, नाम संकीर्तनम्यस्य, कलयुग में विशेषकर भगवान के नाम का संकीर्तन। दूसरी भक्ति है कीर्तन भक्ति भगवान की, जो भगवान के नाम का संकीर्तन करेगा, मान लीजिए भागवत नहीं भी सुन पाता, समस्याएं हैं, पैसे नहीं है, घर है नहीं है, तो नाम का संकीर्तन भी कर लेगा। नाम संकीर्तनम्यस्य भगवान ने छूट दी है, जैसे ट्रेन में हमारे जहाज की यात्रा में जो विकलांग होते हैं उनके लिए छूट भी होती है, वृद्धों के लिए, और एक डिब्बा भी होता है। ऐसे भगवान ने भागवत के लिए जो सक्षम नहीं है, जिनके पास पैसे ना हो, मन में हो भगवान भागवत हो जाए फिर भी नहीं हो पा रही है, या व्यवस्था ना बन पा रही हो, तो इस मंत्र से भी भागवत से मुक्ति हो जाती है, पूरा फल भी मिल जाता है। नाम संकीर्तन भगवान के नाम का संकीर्तन, यानी भगवान के नाम का जप कीर्तन, सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे सभी पापों का नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। देखिए ना, कोई बहुत बड़ा अपराधी हो तो राष्ट्रपति चाहे भारत के प्रेसिडेंट तो माफ कर देते हैं, सजा नहीं होती ना। भारत के राष्ट्रपति जिनको हम लोग चुनते हैं, शासक लोग चुनते हैं, वो भी हमारे यहाँ के बड़े से बड़े अपराधी के फांसी की सजा को रोक देते हैं, और पर दुनिया के वाले कौन है, भगवान है। तो जब यहाँ वाले लोग माफ कर सकते हैं तो भगवान भी हमको बड़े से बड़ी गलती की क्षमा करते हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे नाम को जपो तो पाप कर ही नहीं पाओगे, नाम की वो ताकत है कि नाम आपको पाप करने से बचा लेगा। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम जपने से पापों को नाश हो जाता है, और क्या करेंगे, कम और करना है, प्रणामो दुःख शमनम, भगवान का नाम ले लीजिए और भगवान को प्रणाम कर लीजिए, तं नमामि हरिं परं, भगवान को प्रणाम करने से हमारे दुःख चले जाएंगे, अंत में तं नमामि हरिं परं, हम भगवान श्री हरि के परम धाम में चले जाएंगे और हमेशा के लिए वैकुंठ में वास करेंगे। और मुझे लगता है भगवान का नाम लेने में
और भगवान को प्रणाम करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। स्वर्गीय श्री महेश जी भक्ता पावन की स्थिति में ये भागवत कथा हुई। देखिए उनके पुण्य होते हैं जो जीते जी भागवत सुन ले, और पुण्य उनके भी होते हैं यदि वो चले जाएं और उनके घर में उनके नाम से भागवत हो जाए तो वो भी उनके ही पुण्य है। श्रीमद भागवत में प्रमुख यजमान माता जी बैठी हैं, पूरी भागवत सुनिए। आप सबने सुना उनका पूरा परिवार, पूरा घर, पूरे उमरिया वासी सब लोग। आप सबके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य आनंद आता रहे, क्योंकि भक्ति करेंगे तो ज्ञान भी आएगा वैराग्य भी होगा। आप ऐसी कथा सुना रहे, सुनते रहे और भागवत भगवान से प्रार्थना करें कि आप सबके घर में एक बार भागवत हो जाए, सबके घर में अलग अलग हो जाए। क्यों? उससे आपका कल्याण हो जाएगा। आप ऐसी ही उमरिया में अपने लोगों को भागवत सुनाते रहे, ये हमारा भी सौभाग्य। हम यही के यही सुना रहे हैं और आपका भी भाग्य कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसी भक्ति ज्ञान वैराग्य आपके जीवन में आए, तन मन धन से भगवान की भागवत की सेवा करें। और जो भी अपनी कोई गलती हुई हो, कोई ऐसे शब्द निकल गए हो जो आपको प्रिय ना लगे हो, तो हमें क्षमा कर देंगे। हमारे संगीत वाले, हमारे पंडित जी, सब लोग जो हमारी पूरी हमारा टीम नहीं कहते, टीम थोड़ा छिपनी परिवार है हमारा। टीम क्या होती है, बनाई जाती है परिवार, अपने आप परिवार में प्रेम रहता है, वे हमारा परिवार ही है। आप भी हमारे परिवार है, मरिया का एक एक व्यक्ति, एक एक माताएं, बहने, भाई, जो हमारा हम यहाँ घर मानते हैं, घर ही है हमारा। आप सबके घर में भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, खूब पैसा आपके यहाँ आए, क्योंकि पैसा आएगा तो भागवत करेंगे। आप बीमार बिल्कुल ना हो, आनंद में रहे, खूब वृंदावन जाए और ठाकुर जी की सेवा करते रहे। और हमारी भागवत अभी 18 तारीख से 24 तारीख तक लुधियाना पंजाब में श्री शक्ति जी गोयल, गोयल जी वो करवा रहे हैं, तो लाइव रहेगी। तो हमारे चैनल में आप कृष्ण प्रदीप जी महाराज नाम से चैनल है यूट्यूब पे, उस कथा का आप घर बैठे ही श्रवण कर पाएंगे अपने घर में, पूरे विश्व में उसका प्रसारण किया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। तो आप यहीं बैठे बैठे भक्ति करते रहे, आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आनंद हो, परमात्मा आपकी हर इच्छा पूरी करे। अभी आखिरी में आरती के बाद आप जिनको भी आना, वैसे सब लोग आए, भागवत जी भी आए, आपको यहाँ से प्रसाद मिलेगा। और अपनी इच्छा मनोकामना कहें, ठाकुर जी भागवत जी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। जय जय श्री राम। हमारे लोकेश यजमान जी, हमारे माता जी लोकेश भैया के छोटे वाले हिमांशु, हिमांशु जी छोटे अभय, अभय और श्री विवेक जी आपके मौसिया जी, वो भी इस कथा में पहली बार हमारे पास वही आए थे बात करते। और जितने बैठे नाम क्या ले, नाम क्या ले, भगवान का काम है आप सब, क्योंकि नाम नाम का तो सबका लेना पड़ेगा। यहाँ मैं सबको जानता हूँ, सबको जानता हूँ, तो यहाँ तो हमारा घर है, परिवार है, सब ऐसे ही भागवत सुनते रहे और ठाकुर जी कृपा आपके जीवन में बनी रहे। और प्रयास करिए जीवन में अच्छे काम हो, बुरे काम बिल्कुल ना हो, हमारे द्वारा सत्कर्म हो, सेवा हो, आनंद हो। और उमरिया में जब भी मौका मिलेगा, जो भी बनाएंगे तो हम चले आएंगे, सुनाएंगे कथा। और बहुत जल्द 2023 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बारह मैदान में 2 से 8 जनवरी जिसका लाइव टेलीकास्ट बड़े चैनल में संस्कार में, आस्था में, साधना में, उमरिया में पहली बार करवाएंगे, ठाकुर जी कृपा रही। 2 से 8 जनवरी आप सब आइएगा, प्रचार भी होगा, प्रसार भी होगा बहुत बड़े स्तर में। अगर बिहारी जी की कृपा हुई तो करेंगे बहुत बड़ा। जय जय श्री राम। सब लोग करेंगे तभी तो होगा बड़ा कार्यक्रम। ऐसे ही आपके जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य हो। सभी धर्मजन, श्रोतागण, माताएं, बहने, बाबूजी एवं जो भी सभी यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का इस कथा में 7 दिवसीय जो महायज्ञ हुआ है इसमें पधारने के लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। कल बरसी एवं भंडारा कार्यक्रम है, दोपहर 12 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आप सभी माताओं, बहनों, बाबूजी सभी को आमंत्रित है, भैया दीदी सब आमंत्रित हैं, कल सभी को आना है। और साथ में जो भी धर्मजन आसपास में है, घर के सभी लोग, सदस्य, छोटे बच्चे सभी को लेकर के आना है।
और अधिक से अधिक प्रसाद वितरण किया जाना है। जय श्री राधे। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। देखिए यजमान परिवार पूजन करें महाराज जी का, सुखदेव जी की विदाई करें और उसके बाद में सभी आइए सभी भगवान की आरती करते आरती करते भगवान की। ओम ज्वालामालिनी नमः। ज्वालामालिनी नमः। ज्वालादीपे नमः। पंचोपचारा त्रिगंधा चतुष्पाणी समर्पयामि। ओम जले ज्वाला धने ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जातु चौ सौ चौ जायता